मौत, डेथ, एक ऐसी अप्रिय घटना जिसका कोई सामना नहीं करना चाहता। लेकिन क्या हो अगर यह मौत एक ऐसा रूप ले जिसकी ओर इंसान जाए बिना रह न सके, जिसे देखते ही इंसान खुद पर काबू खो बैठे तो क्या होगा? आज हम आपसे एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके डर से मेक्सिको के उत्तर भाग के बच्चे बच्चे की रूह काँप जाती थी। एक ऐसी बला के बारे में जो अपने खूबसूरती के लिए जितना मशहूर थी, अपने कारनामों के चलते उतनी ही बदनाम थी, जिसका नाम है लॉरोना। मेक्सिको के उत्तरी भाग में ये दिलकश हसीना रहा करती थी और इसका असली नाम मारिया था। मारिया अपनी खूबसूरती के लिए सुप्रसिद्ध थी। उसके शहर का हर नौजवान उस पर फिदा था। मारिया अपना सफ़ेद ब्राउन पहनकर निकलती तो बहुत खूबसूरत लगती थी। एक दिन बाजार में मारिया को एक नौजवान मिला। मारिया को देखते ही उस लड़के ने मारिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दोनों ने शादी करके खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर दिया। मारिया अपने निजी जीवन से बहुत खुश थी। उसका पति उसे बहुत खुश रखता था। दिन गुजरते गए और मारिया के दो बेटे हुए। लेकिन मारिया का पति अब पहले की तरह उससे प्यार नहीं करता था। मारिया अब पहले जितनी खूबसूरत नहीं थी। एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया और फिर कभी वापस लौटा ही नहीं। मारिया अपने पति का इंतज़ार करती रही और उसके ख्याल में रो रो कर बुरा हाल कर लिया। एक दिन नदी किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूमते वक्त मारिया ने अपने पति को किसी और महिला के साथ घोड़ा गाड़ी में जाते हुए देखा। उसके पति ने अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा। इस घटना के बाद मारिया बहुत गुस्सा हुई और गुस्से में आकर मारिया ने यह फैसला लिया कि वह अपने पति की आखिरी निशानी यानी उन दोनों बच्चों को ख़त्म कर देगी। मारिया ने गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबाकर मार दिया। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन दोनों बच्चों के शव नदी में बहते चले जा रहे थे। अपने किए पर शर्मिंदा और दुखी होने के कारण कुछ ही दिनों बाद मारिया की भी मौत हो गई। इस अपराध के कारण मारिया की आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिली। मारिया की मौत के कुछ दिनों बाद वहाँ के सारे निवासियों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि उन्हें सफ़ेद ब्राउन में एक महिला रात के वक्त दिखाई देती है। कुछ ही समय बाद उन गांव से बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। वहाँ के निवासियों को सफ़ेद ब्राउन वाली महिला वो नदी के पास बैठी रोती दिखाई देती है। उसके रोने की आवाज़ बहुत डरावनी है। कोई उस रोती हुई महिला के पास जाता है तो वो महिला अचानक गायब हो जाती है। गाँव वालों को एक और बच्ची की गायब होने की घटना सामने आई। गाँव वालों को नदी के दूसरे किनारे पर एजल्द्रो नाम का एक 15 साल का बच्चा बेहोश की हालत में मिला। होश आने पर जो बच्चे ने बताया उससे गाँव वाले डर ही गए। उसने देखा कि एक महिला पानी से बाहर निकली। उसने सफ़ेद गाउन पहना हुआ था। उसका चेहरा और रोने की आवाज़ बहुत डरावनी थी। वो महिला पानी से बाहर निकली और उसने सामने खड़े बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित किया। महिला रोते हुए उस बच्चे को पानी में डुबाने लगी। उस बच्चे का शव पानी में बह गया और वो महिला अचानक गायब हो गई और ये देखकर एल्जाद्रो बेहोश हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब लोग अपने बच्चों को बाहर तक नहीं जाने देते थे। लॉरोना के खौफ से सन 1960 तक मेक्सिको के कुछ भागों में महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने में कतराती थी। लोगों का कहना है कि लॉरोना आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है। उसे अपने बच्चों की उम्र का कोई बच्चा दिखाई देता है वो उस बच्चे के पास जाती है। वो देखती है कि वो बच्चा मारिया यानी लॉरोना का बच्चा नहीं है तो वो उस बच्चे को भी मार देती है। दोस्तों, आपको इस द रियल स्टोरी ऑफ लॉरोना इन हिंदी कहानी में कितनी सच्चाई नज़र आती है।